नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 13 अक्टूबर 2018 है और 13 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के प्रश्न हम इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इज 13th October 2018 एंड वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स इन दिस करंट अफेयर शो ऑफ सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। लेट्स हैव अ लुक ऑन द हिस्ट्री। On this day in the year 1884, Greenwich Mean Time was decided as the standard time for the world. Greenwich is the southeastern part of London. आइए अब नज़र डालते हैं इतिहास की एक प्रमुख घटना पर। आज ही के दिन सन 1884 में ये तय किया गया था कि ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का मानक समय होगा, और आपको पता है कि ग्रीनविच दक्षिण पूर्वी लंदन का एक हिस्सा है। Now let's discuss the current affairs quiz. The very first question is, who are the two ITBP men honored with Kirti Chakra posthumously? And these two are Constable Ajay Singh Pathania and Constable Roop Singh. They laid down their lives while preventing an explosive laden vehicle from entering the Indian embassy in Kabul. ITBP के दो जवान जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया है, और ये दो जवान हैं कांस्टेबल अजय सिंह पठानिया और कांस्टेबल रूप सिंह। इन्होंने काबुल स्थित भारतीय दूतावास में विस्फोटकों से भरे वाहन को प्रवेश से रोकने के वक्त अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। एनएसई हैज साइंड अ पैक्ट विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू फ्यूल एमएसएमईज ग्रोथ इन द स्टेट? एंड इट हैज साइंड अ पैक्ट विद उत्तराखंड गवर्नमेंट। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। CM is Tripendra Singh Rawat. Governor is Baby Rani Maurya. NSE ने किस राज्य सरकार के साथ MSME का विकास करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये किए हैं उत्तराखंड सरकार के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ उत्तराखंड इन द मैप ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र पर उत्तराखंड का मानचित्र जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। वेयर हैज बीन द फर्स्ट इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर IISC लॉन्च्ड? एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड इन बेंगलुरु। बेंगलुरु इज इन कर्नाटका। कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज ऑल्सो बेंगलुरु। एंड द CM इज HD कुमार स्वामी। गवर्नर इज वाजुभाई वाला। पहला भारत इजराइल इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? और ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी। गवर्नर वाजुभाई वाला। एंड दिस इज द मैप ऑफ कर्नाटका इन द मैप ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र पर कर्नाटक का मानचित्र जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। SBI हैज साइंड एन MOU विद हुम फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? एंड इट हैज साइंड एन MOU विद नेपाल्स NBI। NBI स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट। कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। करेंसी इज नेपाली रूपी। PM इज KP ओली। प्रेजिडेंट इज विद्या देवी भंडारी। एंड द चेयरमैन ऑफ SBI इज रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर ऑफ SBI इज इन मुंबई। SBI ने मानव संसाधन विकास के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये किए हैं नेपाल के NBI के साथ। NBI अर्थात राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थान। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रूपी। प्रधानमंत्री यहाँ के KP ओली, और यहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, और SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ नेपाल इन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज बीन हाईलाइटेड विद द रेड कलर। अब आप देख सकते हैं नेपाल का मानचित्र विश्व के मानचित्र पर जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली गवर्नमेंट हैज साइंड अ ट्विन सिटी एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ विच सिटी? एंड इट हैज साइंड अ ट्विन सिटी एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ मॉस्को। CM ऑफ दिल्ली इज अरविंद केजरीवाल। एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अनिल बैजाल। दिल्ली सरकार ने किस शहर की सरकार के साथ एक ट्विन सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये किए हैं मॉस्को की सरकार के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजाल जी। क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज इनॉग्रेटेड 13th एनुअल कन्वेंशन ऑफ
Central Information Commission in New Delhi, and it has been inaugurated by our President Ramnath Kovind ji. नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के 13वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? और ये किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा. Now question number 7. Which country has topped Human Capital Index? And it has been topped by Singapore. In this Human Capital Index, India is at 115th position out of 157 countries. Now let me give you the basic information about Singapore. Capital is Singapore, currency is Singapore dollar, and the president is Halimah Yacob, and the PM is Lee Hsien Loong. किस देश को मानव पूंजी सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है? और ये मिला है सिंगापुर देश को. इसमें भारत को 115वां स्थान मिला है 157 देशों में से. सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है. सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरी डॉलर है. सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली हिसियान लूंग और सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब. नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ सिंगापुर इन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज बीन हाईलाइटेड विद द डार्क रेड कलर. आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र पर सिंगापुर का मानचित्र जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. विच कंट्री हैज अबोलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट? And the country which has abolished the capital punishment is Malaysia. Capital of Malaysia is Kuala Lumpur. Currency is Malaysian Ringgit. And the PM oldest in the world, the Pradhan PM of Malaysia is Mahathir Mohamad. Kis desh ne maut ki saza ko samapt kar diya hai? Aur ye samapt kiya gaya hai Malaysia desh dwara. Malaysia ki rajdhani Kuala Lumpur, mudra Malaysian Ringgit. और यहाँ के प्रधानमंत्री जो दुनिया के वृद्ध प्रधानमंत्री हैं जिनकी उम्र 94 साल है महाथीर मोहम्मद. नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ मलेशिया इन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज बीन हाइलाइटेड विद द डार्क ग्रीन कलर. आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र पर मलेशिया का मानचित्र जो गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है. नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. खेल की दुनिया से कुछ प्रश्न. What is the rank of Indian women cricket team in newly released T20 rankings by ICC? And the rank of Indian women team is 5th. ICC द्वारा नई release T20 ranking में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रैंक क्या है? और ये 5वें स्थान पर है. इसमें पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है. And the first spot is Australia. Now question number 10. Where will World Wrestling Championship be conducted? It will be conducted in Budapest, Hungary. World Wrestling Championship कहाँ आयोजित की जाएगी? और ये की जाएगी Budapest, Hungary में, जो कि 20 से 28 अक्टूबर के बीच की जाएगी. This wrestling championship will be conducted from 20th to 28th October this year. That's all in this current affairs show. Thanks for watching it. Please do share and subscribe our channel that is single and unique platform. Thank you. Dhanyawad.